नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं टॉप 5 स्मार्टफोन जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे अंडर 15,000 के अंदर। अगर आप 15,000 के अंदर बेस्ट से बेस्ट स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीटली जरूर देखें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बढ़िया स्मार्टफोन सजेस्ट करने वाला हूं जो आपको पसंद भी आएंगे और 15,000 के अंदर आने वाले वह कौन कौन से स्मार्टफोन है जो बेस्ट रहेंगे, तो ये सब जानने के लिए ये वाली वीडियो कंप्लीटली जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि काफी लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर वन पर जो स्मार्टफोन हमारे सामने आता है वो इन्फिनिक्स का रहने वाला है, इन्फिनिक्स होट 11S। ये आपको नंबर वन पर देखने को मिलेगा। अगर बात करी जाए इस स्मार्टफोन की तो ये इसकी डिस्प्ले के अंदर आपको 6.78 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो आपको मीडियाटेक का हीलियो G88 प्रोसेसर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। रैम आपको 4GB 64GB के अंदर देखने को मिलती है और साथ ही बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो 5000mAh का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाता है। रियर कैमरा की बात करते हैं तो 50MP प्लस 2MP का देखने को मिलेंगे। और अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करते हैं सेल्फी कैमरा की तो वह आपको 8MP का देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग आपको 10,999 रुपए की प्राइस में देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। चलिए अब बात करते हैं हम नंबर टू की। नंबर टू पर जो स्मार्टफोन हमारे सामने यहां पर देखने को मिलता है वह दोस्तों Realme 8i रहने वाला है। अगर हम इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वह 6.8 इंच की डिस्प्ले रहेगी। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो मीडियाटेक का हीलियो G96 आपको देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। और रैम एंड इंटरनल स्टोरेज 4GB 64GB के अंदर देखने को मिलेगा। बैटरी बैकअप की बात करी जाए तो 5000mAh का बैटरी बैकअप आपको इसमें देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर हम रियर कैमराज और सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो 50MP प्लस 2MP के रियर कैमराज रहेंगे। सेल्फी कैमरा की बात करते हैं लगभग 16MP का आपको इसके अंदर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और ये अंडर 14,000 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 13,500 या 13,700 रुपए के रेट में आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए नंबर थर्ड पर जो स्मार्टफोन हमारे सामने यहां पर देखने को मिलता है वह दोस्तों Redmi 10 Prime रहने वाला है। तो Xiaomi का Redmi 10 Prime नंबर थर्ड पर हमारे सामने यहां पर देखने को मिलता है। अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 6.15 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करी जाए तो मीडियाटेक का हीलियो G88 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। रैम इंटरनल स्टोरेज की बात करते हैं तो 4GB 64GB के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो लगभग 6000mAh का बैटरी बैकअप इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। रियर कैमरास की बात करते हैं तो 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP करेंगे। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो 8MP का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस फिलहाल के तौर पर देखने को मिल रही है ये लगभग आपको 12,499 रुपए के रेट में देखने को मिलता है। काफी शानदार स्मार्टफोन है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। नंबर थर्ड पे स्मार्टफोन काफी झकास स्मार्टफोन है अगर आपकी इच्छा है, अगर आप लेना चाहें तो। चलिए बात कर लेते हैं नंबर फोर्थ की। नंबर फोर्थ पर जो स्मार्टफोन हमारे सामने रहने वाला है वह Samsung Galaxy का रहने वाला है, Samsung Galaxy F22। ये स्मार्टफोन नंबर फोर्थ पर हमारे इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वह 6.14 इंच की डिस्प्ले रहेगी। अगर प्रोसेसर की बात करी जाए तो मीडियाटेक का हीलियो G80 आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। रैम एंड इंटरनल स्टोरेज की बात करते हैं तो 4GB 64GB के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बैटरी बैकअप की बात कर जाए तो 6000mAh का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम कैमरास की बात करते हैं इसके रियर कैमरास की तो इसके अंदर आपको 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP के रहेंगे। फ्रंट कैमरा की बात करी जाए तो लगभग 13MP का इसके अंदर फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। अगर प्राइस की बात करी जाए तो लगभग ये आपको 12,999 रुपए की एक एक्सपेक्टेड प्राइस में देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। ओवरऑल सबको जान चुका है स्मार्टफोन काफी शानदार है। अब बात करते हैं नंबर फाइव की। नंबर फाइव पर जो स्मार्टफोन हमारे सामने आने वाला है वो Realme का Narzo 30 रहने वाला है।
काफी शानदार स्मार्टफोन है। नंबर 5 पर है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है आप जो भी बाय करना चाहें सभी टॉप लेवल पर सभी बढ़िया स्मार्टफोन है। चलिए इसकी बात करते हैं डिस्प्ले की, जिसके अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वह 6.15 इंच की डिस्प्ले रहेगी। प्रोसेसर की बात करी जाए तो मीडियाटेक का हीलियो Z95 आपको देखने को मिलता है। अगर रैम एंड इंटरनल स्टोरेज की बात करते हैं तो 6GB 128GB आपको देखने को मिलेगी। बैटरी बैकअप की बात करी जाए तो 5000mAh का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाता है। फोन कैमरा रियर कैमरा की बात करते हैं तो रियर कैमरा आपको इसके अंदर 48MP प्लस 2MP प्लस 2MP करेंगे और फ्रंट कैमरा आपको 16MP का रहेगा, यानी 16MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं तो लगभग आपको 13,499 रुपए या 15,000 रुपए के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अब हमने जो टॉप नंबर 5 के जो स्मार्टफोन्स थे सभी स्मार्टफोन को हमने सीक्वेंस वाइज जमा लिया है, ये हमने हमारे हिसाब से जमाया है। आपको जो भी स्मार्टफोन पसंद आए सभी स्मार्टफोन बेस्ट एंड गुड स्मार्टफोन है, आपकी इच्छा आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर आपको 6GB 128GB के अंदर जाना है तो आपको रियलमी का Narzo 30 लेना चाहिए, काफी शानदार स्मार्टफोन है, इसके अंदर प्रोसेसर भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपका बजट 10,000 के अंदर है तो आप ले सकते हैं इन्फिनिक्स का Hot 11S ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा चेंज है, आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट लगभग 12,000 के अंदर है तो आप Redmi 10 Prime भी ले सकते हैं, आप Samsung Galaxy F12 22 भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी रहेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।